नमस्ते दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लेकर आई हूँ वो आपके लैब असिस्टेंट और पीजीटी दोनों की जो है अपडेट है, ठीक है। सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेकर है, एक तो यानी कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट की सेकंड वेटिंग लिस्ट को लेकर है, और साथ साथ लैब असिस्टेंट का काउंसलिंग का नोटिस जो है आउट हो गया है, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उनको जो है एक बार मौका जो है मिल रहा है। वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर आप एक न्यू हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। देखिए पीजीटी वालों का जो है कल ही जो है एग्ज़ाम हुआ है आपका, जो है जो इनका फिज़िक्स थी और केमिस्ट्री था, इन दोनों का जो है एग्ज़ाम कल जो है हो गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका जो है कल जो है हो गया था। और अब जो है इनका जो है फाइनल जो रिज़ल्ट है वो जो है जारी किया जाएगा। वहीं मैं लैब असिस्टेंट की बात करूँ तो लैब असिस्टेंट वालों की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है आउट जो है हो गई है, लेकिन फिर भी उस फाइनल मेरिट लिस्ट में कई कैंडिडेटों के जो है नाम नहीं आए हैं लिस्ट में। रीज़न रहा उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है गड़बड़ थी, ठीक है। तो उस पर भी मैंने वीडियो जो है बना रखी है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, कल ही मैंने वो वीडियो बनाई है। और देखिए नोटिस जो है ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हुआ है, जिसमें लिख रहा है ऊपर एतद दोस्त द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड राज्य अंतर्गत झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2023 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराई गई सूची के अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अर्हता संबंधी सभी शैक्षिक और प्रशैक्षिक जाति आवासीय प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किए गए वांछित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ मिलान करते हुए विषयदार सफल अभ्यर्थियों का दिनांक 26/12/2023 मंगलवार को निम्न कार्य अनुसार काउंसलिंग हेतु निर्धारित किया जाता है, यानी कि कल जो है 26 तारीख को जो है काउंसलिंग के लिए लैब असिस्टेंट वालों को जो है बुलाया है, ठीक है। तो आप पहुंच जाना, समय दिया है सुबह 11 बजे से, लेकिन एग्जैक्ट टाइम ये है, आपको जो है पहले ही पहुंचना होगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो है पद दे रखा प्रयोगशाला, विषय है रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, तीन है इसमें आपका फिजिक्स का, रसायन शास्त्र का और जीव विज्ञान का। तो यहाँ पे जो है आप जो है सारे डॉक्यूमेंट ले जाना, जेरोक्स भी ले जाना, जेरोक्स कॉपी यानी कि है ना, और साथ साथ जो है ओरिजिनल भी ले जाना, समझ गए भाई। सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डीबी के समय लेके गए थे वो सभी डॉक्यूमेंट जो है आप जो है इसमें काउंसलिंग के समय भी जो है लेके जाना, इसके बिना वरना आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ लिख रहा है अगर कोई भी जो है उस दिन नहीं आ पाता है तो उनको जो है फिर जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। 3 जो है फ़ोटो लेके चले जाना, पासपोर्ट फ़ोटो, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और अपना जो भी प्रमाण पत्र है वो सब लेके चले जाना, जाति आवासीय यानी कि जहाँ आप रहते हैं वो सभी प्रमाण पत्र जो है लेके चले जाना, और उनका नियुक्ति पत्र निर्गतित कर दिया जाएगा। जो अगर नहीं जाता है तो फिर उसे अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर उनका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस डेट को यानी कि 26 तारीख को कल जो है पहुंच जाना। ये तो रही लैब असिस्टेंट वालों की बात, अब मैं बात कर लेती हूँ। देखो जिनका जो है लिस्ट में जो है नाम नहीं आया था, इनकी जो है 26 तारीख तक को तो ज्वाइनिंग हो ही जानी है, इसके बाद जो है बस देखी जाएगी कितनी सीट जो है वैकेंट है, कितनी खाली रह गई हैं, तो फिर जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, और ये आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है जनवरी में जो है जारी हो जाएगी। वहीं मैं पीजीटी वालों की बात करूं तो पीजीटी वालों का भी सेम है, पीजीटी वालों का जो अब डीवी हुआ था, ठीक है भाई, तो इनका डीवी हो जाने के बाद जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का इनका डीवी हुआ था, तो इनका जो है फाइनल रिज़ल्ट जो है फिजिक्स वालों का 29 दिसंबर के आसपास जो है आउट हो जाएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद सीट जो है देखी जाएगी, देन इनका जो है फिर जो है ज्वाइनिंग आएगा, तब देखी जाएगी कितनी सीट जो है वैकेंट रह गई हैं। तो आपका जो है जिनका जो है लिस्ट में नाम नहीं है पीजीटी वालों का भी, उनका जो है फरवरी में जो है लिस्ट जो है आ जाएगी, लैब असिस्टेंट वालों की जनवरी में और पीजीटी वालों की फरवरी में आएगी, क्योंकि पीजीटी वालों के अभी बहुत सारे रिज़ल्ट जो है पेंडिंग रह रहे हैं। अभी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों का ही जो है डीवी हुआ है, बाकी ना तो अभी किसी हिंदी का रिज़ल्ट आया है, ना इंग्लिश का आया है, ना संस्कृत का, ना बायोलॉजी का, ना हिस्ट्री का, ये रिज़ल्ट अभी आने बाकी है। इसलिए आप फर्दर अपडेट के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर लैब असिस्टेंट जेई और पीजीटी की अपडेट जो है मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दिस वीडियो।
ठीक है दोस्तों। और एक बार मैं जो है आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये वाले जो डॉक्यूमेंट है लैब असिस्टेंट वालों, ये जो है लेके जो है चले जाना, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 2 पासपोर्ट फोटो, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, क्रेडिट प्रमाण पत्र भी सही रहता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो है आपको लेके जाना है जो आपके एग्ज़ाम में हुए थे, प्लस TV में, इन सबको जो है एक फाइल में अटैच करके जो है लेके चले जाना। थैंक यू सो मच।